क्योंकि हम सभी लोग इस चीज से वाकिफ है कि ये बॉर्डर जो है वो पोरस बॉर्डर है और इसको पार करना बहुत ही आसान है। तो हम वन बाय वन जो भी इश्यूज है उस पर हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करके हम ये कोशिश करेंगे कि पंचायत चुनाव और अदर जो बॉर्डर बॉर्डर से रिलेटेड जो इश्यूज है, कुछ पास में जो इंसिडेंट्स हुए हैं और जिन बिंदुओं पे चर्चा की जानी है, तो वन बाय वन हम इन बिंदुओं पे अपना भी पक्ष रखेंगे। हमारे जो ऑफिसर्स नेपाल से यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी उनका भी ओपिनियन हम लोग प्राप्त करेंगे। और क्योंकि इस बॉर्डर पे एसएसबी कंट्रोलिंग और सारी जिम्मेदारी है एसएसबी के ऑफिसर्स पे, तो इनसे भी ओपिनियन लेके हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो भी यहाँ के इश्यूज है उसको टाइम बाउंड मैनर में सॉर्ट आउट कर लिया जाए और कोई भी इंसिडेंट या कोई भी इश्यू जो है उसको परकोलेट ना होने दिया जाए। जो भी सिटीजन्स है बॉर्डर के दोनों साइड, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनको भी हम लोग एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें और किसी भी इंसिडेंट की वजह से दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पर कोई असर ना पड़े। तो मेरे ख्याल से यही सारे बिंदु है जिस पर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे।